हेलो एनी वाचिंग क्लैप ड्राइव ये बैक अगेन एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो है इन्फॉर्मेशन से पूरा भरपूर क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे ही दिखाए हुए फर्नीचर एक ही जैसे डिज़ाइन वाले क्यों अलग अलग प्राइस रेंज में होते हैं क्रिएटिव इनपुट वो हमारे वीडियोज़ में हमेशा होता है चेस्ट सोफ़ा इज़ दी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चेस्ट इज़ गोइंग टू बी 2021 ट्वेंटी so we will see वी विल सी वील गेट टू सी लॉफ चेस्ट फील सोफाज़ एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू यूज़ ये सब बताएंगे आपको शुभम से मिलवाएंगे जो कि मैन्युफैक्चरर हैं उनकी कंपनी को आप ऑलरेडी जानते हैं विम्स एंड फैंसीज उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने अपने एंड पे डिज़ाइंस में और साथ में उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं ताकि लॉजिस्टिक्स उनके ठीक हो सकें सो दैट ही कैन डिलीवर एवरी थिंग सेफ एंड क्वाइट एंड ऑल्सो ही कैन इम्प्रोवाइज सर्विसेज तो उनसे बात करेंगे अभी और साथ में आपको बताते हैं पहले कि चेस्ट फील्ड के ये बारे में उन्होंने क्या कहा है कितने सारे ऑर्डर्स उन्होंने बुक कर चुके हैं और डिलीवरी हो रही है आई स्टार्टेड काउंटिंग सीट्स सीट्स देखता हूं ये दो तीन हफ्ते में कितनी जाती हैं तो वो पहुंच गई थी अराउंड 60 70 uh, कि, कितना? 60 कितना 70 सीट्स अराउंडी 60, 70 आपने निकाल दिया चेस्टर का कितने दिन में? Uh, oh, तो आगा आगा okay. पहले तो तो ओके। जो काउंट नहीं किया ऑन ओवरऑल तो वो तो भूल ही जाओ। अच्छा। अभी जब से काउंट कर गया तब से uh, हो गया सत्तर अस्सी तक पहुंच गया तो वी तो तो है ब्राउन है है। की में बस। अरे वाह। तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग है तो चेस्टर चेस्टर में। ठीक है।, तो है।, है तो अब वीडियो की शुरुआत करेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कंपनी के बारे में उनके वर्किंग के तरीके से विम्स इन फैंसीज के ओनर शुभम शर्मा इंटीरियर डिज़ाइनर हैं आर्किटेक्ट हैं वो हर एक डिटेल पे ख़ास ध्यान रखते हैं उन लोगों को जिनको लगता है कि थोड़ा सा कस्टमर सर्विस उनकी अच्छी होनी चाहिए उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था वो भी एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे साथ में आपको बता दें खासतौर से हमारे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो बोलते हैं कि सारे फर्नीचर एक से देखने वाले अलग अलग प्राइस के क्यों होते हैं तो उनकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है मेरे दोस्तों लेस बेगमरे मेन इंट्रोडक्शन पार्ट हाउ यू डूइंग all good. welcome to claptrap. thank you so much and welcome back to our store. thank you very much and it's always fun. it's always fun coming to your store. Thank you. uh, all right. so most of our viewers, they are family members, they know you by name and the name Ajay. of the company. but those who have joined us for the first time or recently, for them we would like to hear from you the name of the company and what all we deal into. Uh, my name is shubham. i own company with the name vince and fancies. Okay. Uh, we are into furniture <coughs> manufacturing and designing. I am an architect. Uh, got shifted to furniture designing. All right. And uh, in my fraternity, in my family member, and the furniture industry, the entire fraternity knows you for being totally unique and different. Yes. Okay. Not just because you have this name called WNF Whimps and Fancy, which <laughs> itself is unique. Yes. But also, you are into bespoke, very very creative, different furniture altogether.

काफी लोगों का फेवरेट है वो है चेस्टर सोफाज mm -hmm. जो कि पहले भी बहुत अच्छा था mm -hmm. आज भी अच्छा है और प्रिडिक्शन यही है कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज okay. इंटरनेशनल uh, अगर मैं मार्केट की बात करूँ इंटरनेशनल डिजाइनर्स की बात करूँ तो उनका भी प्रिडिक्शन यही है कि चेस्टर सोफाज इज़ द फ्यूचर और एक ट्रेंडी दोबारा होने वाला है चेस्टर अच्छा so 2021, The showstopper or the rockstar? Right? 100%. Hai. So, today do we have Chester Fields with us? Yes, hai, we I do first? have. We yes. yes, yes, yes. Okay. We have expertise in Chester's. Uh -huh. So, we will show you that. All right. And besides Chester, we will try to see what all you have. Sure, sure, sure. At the end of the video, there will be some basic questions. Sure. Okay. TK. Let's start with the product exploration. Okay. Welcome to the world of Chester's. चेस्टरफील्ड <laughs> की दुनिया में आपका स्वागत है बिल्कुल बिल्कुल। ओके, <laughs> okay, तो चेस्टरफील्ड की बहुत बड़ी वैरायटी है। हाँ एंड चेस्टरफील्ड uh, का क्विकली uh, हाँ यूरोप uh, 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 में है। okay. आप जानते होंगे उसके नाम पे इसको रखा गया है mm -hmm. वहां के जो मेयर थे mm -hmm. उन्होंने इसको अपने लिए बनवाया था राइट तो मेयर ऑफ चेस्टरफील्ड हम्म इनका इस एक स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेयर ऑफ द चेस्टरफील्ड जिन्होंने इसको अपने लिए बनवाया था घर के लिए अच्छा हां जी ओके वो आप बात कर रहे हैं 1800 1800 में, येग्ण में येग्ण जब अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड ने इसको इन्वेंट किया था बिल्कुल अच्छा शुभम वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस थिंग ओके आई गोट कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ चेस्ट फील्ड एंड जो आपने अभी बताया ऑरल ऑफ चेस्ट फील्ड और इनकी हिस्ट्री है

स्टीफन माइकल शोरन एंड उन्होंने भी बाद में इसको ही वॉज वेरी नोन वेरी वेरी वेल रनाउंड फील्ड और ही वॉज नोन फॉर हिज फैशन स्टेटमेंट एंड देन ही कंटिन्यूड इन इन द लेटर एज ऑफ हिस लाइफ एंड ही मेक दिस जैसे फील्ड वेरी वेरी पॉपुलर ओके सो मुझे लगता है ये हर टेस्ट के लोगों के लिए और हर टाइप के लोगों के लिए है बिकॉज एक ही सोफा में आपको सब कुछ मिलता है आपको लग्जरी मिलता है आपको एक अलग और मिलता है एक स्टेटस सिंबल मिलता है जी। एक एक ये एलिगेंट भी है आ, एक बॉसीनेस भी है तो हर चीज इट्स अ मिक्सचर। ओके। हाँ। इसमें एक चीज और भी है कि इसके चीपर वर्जन भी है हाँ इसके चीपर वर्जन <laughs> भी अवेलेबल हैं। बट वो देखने से ही पता चल जाता है हां ठीक है और इसमें बाय द टाइम धीरे-धीरे इवोल्यूशन होता रहा है चेस्टर्स okay. में इन टर्म्स ऑफ आर्म्स इन टर्म्स ऑफ हाइट डाइमेंशंस बैक डिजाइन वो इवोल्यूशन धीरे-धीरे होता रहा है ओके okay, जैसे राउंड आर्म्स में स्ट्रेट आर्म्स में स्ट्रेट आर्म्स राउंड आर्म्स पीछे का हाइट लो हाई मीडियम वैसा अच्छा चेस्ट में कॉमन मिस्टेक्स बताऊं आपको मैं हां जी

वो भी देखना है हमें भी इसलिए भी पहले चेस्टरफील्ड का हमारा ये पूरी दुनिया है इसको एक्सप्लोर करेंगे आप उधर से पैन करके पूरा दिखा सकते हैं ठीक है ऑल राइट सो दीज आर दी चेस्टर फील्ड अवेलेबल राइट नाउ अब मुझे बता दीजिए आपने इतने सारे क्यों बनाए हैं ये सारे ऑर्डर के पीसेस हैं ओके okay. हाँ सो so चेस्टर्स में हमसे अच्छी क्वालिटी <coughs> हमसे अच्छी फिनिशिंग और हमसे अच्छे प्राइस कोई नहीं दे पाएगा ओके okay. ऑल राइट सो हम हमेशा आपसे कुछ चीजें पूछते हैं क्विकली पूछेंगे अभी हाँ जी यहाँ पे हमारे पास मोर देन सेवन एट शेड्स हैं ठीक है ओके okay. हाँ जी तो ये डिफरेंट सारे हमारे व्यूअर्स हैं या सारे आपके बायर्स बिल्कुल, होंगे बिल्कुल, कुछ मिक्स होंगे आई डोंट नो क्या है फैक्ट क्लाइंट्स आर फ्रॉम जी ये सारे के सारे सोफाज डिलीवरी के लिए बनाए गए हैं बिकॉज आप डिस्प्ले नहीं रखते हैं अपना है ना ओके तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वन जो लाइट डार्क ब्राउन है आपसे जानना चाहेंगे कि

और इसमें आप कलर डिसाइड कर सकते हो कि आपको नेचुरल ब्लैक वॉलनट जो चाहिए ठीक है बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कलर्स एंड वी स्टार्ट शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद आवर व्यूअर्स इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट दिस पैरामीटर्स वन इज दी स्ट्रक्चर व्हिच वुड यू यूज व्हाट इज दैट वुड यू यूज दो बाय डेट स्ट्रक्चर्स ओके स्ट्रक्चर सम हाँ। इस वीडियो में भी दिखा देंगे अदरवाइज हाँ। हम क्लाइंट को भी बोलते हैं कि यू कैन कम एनी टाइम सी द स्ट्रक्चर और इन सब में फॉर्म यूज हुआ है ओके okay. सेम प्राइस में जो हम इसको पे, जो पहले हम पड़ा है क्या नहीं प्यू में आपको दिखाता हूँ इसमें जो अच्छा यूज जब आएगा तो दिखेंगे हम अच्छा, लोग शो में फॉर्म यूज नहीं हुआ है इसमें इसमें फॉर्म यूज नहीं किया हमने गद्दी में पूरा प्यू लगाया है रबड़ फॉर्म उसको बोलते हैं रबड़ फॉर्म जेल हाँ रबर फॉर्म की जो लाइफ होती है वो फॉर्म से ऑलमोस्ट डबल होती है ओके okay, ठीक है ये तो हो गए हमारे बेसिक एडवांटेज उसका ये है कि फॉर एग्जांपल जो जब हम फॉर्म लगाते हैं ना <coughs> तो आफ्टर टू ईयर थ्री इयर्स जब आप इसको ड्राई क्लीन कराते हो uh -huh. तो ड्राई क्लीन में वो पानी यूज करते हैं uh -huh. फॉर्म सोख लेता है पानी oh, okay. पी यू पानी Soak नहीं, नहीं सोखता इसलिए उसकी लाइफ फोर्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर तक चली जाती है ठीक है, पैरामीटर ऑलरेडी सेट कस्टमाइजेशन में यू कैन गो फॉर डिफरेंट मेटेलिकेंज कलर बिल्कुल अगर हम ये वाला कलर चूज कर रहे हैं तो एनी वाइट एंड ऑफ वाइट वॉल्स के अगेंस्ट में सारे अच्छे लगते हैं बिल्कुल इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक अगर कलर आप बताना चाहें इस कलर के साथ इस वॉल के यूरोपियन ग्रे के साथ बहुत अच्छा लगता है

आप एक एक थ्री सीटर इसमें ले सकते हो अच्छा जो कि आपका स्टेटमेंट पीस <coughs> बन जाएगा एंड बाकी आप लाइट शेड्स में ले सकते हो अच्छा। आ, अपने कर्टेंस uh, भी फर्निशिंग भी बाकी चेयर्स भी और आपका बैक uh, वॉल भी ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर दिस जब भी आप uh,

ठीक है ये बस ये वाला कलर कॉम्बिनेशन नॉट इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट व्हाट डू यू सजेस्ट दिस वन एंड दिस वन ग्रे अगर किसी ने उसका थ्री सीटर लिया इसका टू सीटर नहीं, लिया नहीं, दोनों फिर ये न्यूट्रल कलर हो गया ना हाँ.

ऑल राइट right. ये बेज है इसके साथ आप साथ आप एमरल्ड ग्रीन ले या इसके साथ आप, ले ले. Yeah, इसके साथ आप डार्क भी ले सकते हैं डार्क ब्राउन गुड वो जो पीछे देख रहे हैं आप वो ओके okay, ये इसका थ्री सीटर है ओके okay. एक बहुत किस... बीच में ऑब्स्टिकल है जो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल है ओके okay. इसमें हमारे पास अभी हम देख रहे हैं किस कलर में uh, वो भी बेज में है बट वो डिफरेंट बेज है वो ठीक है तो हम बात कर रहे थे डिफरेंट शेड्स की इसमें हमारे पास कितने कलर शेड्स हैं इसमें वी डू हैव 17 कलर्स ओके हां जी 18 इन 17 18 कलर्स हैं ऑलराइट एंड यू प्रॉमिसड अस कि आप हमें फोम दिखाएंगे तो फोम हाँ, दिखा दीजिए जो हम यूज कर रहे हैं इसमें हुँ. अगर आप इधर दिखाओगे तो स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा साथ अच्छा, में जो भी बन रहा है हु. <coughs> अच्छा ये जो हम वुड की बात कर रहे थे हां जी अच्छा

ये मेमोरी फोम की तरह है ओके ठीक तो है डन दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल फोम यस यस और ये क्या हो गया यहाँ पे ये कैसा रखा है पूरा दिस अगेन चेस्टर बट स्ट्रेट लाइन चेस्टर है अच्छा इसमें tuffting है tuffting है ना स्ट्रेट 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 लाइन में straight, नहीं दिस आपके बहुत कॉल बज रहे थे फिर आपको लोग कहेंगे कि आप रेस्पॉन्ड नहीं करते <laughs> <laughs> और राइट सो शुभम द प्राइस पार्ट प्राइसिंग हम वी वर सेलिंग इट फॉर ट्वेल्व थाउजेंड पर सीट पर सीट ओके दिस पर्टिकुलर मॉडल बट क्लैप ट्रैप के कस्टमर्स के लिए वी हैव फ्यू ऑफर्स ओके ऑन दिस मॉडल ओनली तो जब वो हमसे करेंगे इंक्वायरी तो विल गिव दी ऑफर अच्छा हाँ जी क्लियर नहीं है अभी वो है न?

All right. so, ये एक डाइनिंग है uh -huh. जो हमारे एक uh, क्लाइंट का है जो आंध्र प्रदेश से है वेरी नाइस ओके इसमें हमने uh, पहले तो क्लाइंट के नाम ही बता दीजिए चलिए हमको हर नेम इज श्वेता नो सुवेता अच्छा एस यू ओके

बहुत 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 सारे onyx आते आते हैं आते हैं इसमें, बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत <coughs> अलग onyx आते है इसमें। अच्छे-अच्छे अलग-अलग ठीक है। है। जी। इनका करता कभी-कभार डाइनिंग बेस थोड़ा अलग हो जाता है uh -huh. तो उसमें सामान थोड़ा ज्यादा लग जाता है बट आप uh, देखो कि 45 से लेके के बीच में इस टाइप के डाइनिंग टेबल्स आ जाते हैं जहा उसका बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है

ये वर्कशॉप है हमारा जहाँ मॉडलर का काम होता है ओके okay. किचन वार्ड्रोब्स एंड बॉक्सेस सो जो मेजर कॉस्ट कटिंग जिसको आप बोल सकते हो या क्वालिटी बोल सकते हो या खर्चा बोल सकते हो बेड में वो होता है बॉक्सेस पे ओके okay. तो जनरली जैसे मैं भी ऑनलाइन देख रहा था काफी एज अ व्यूअर मैंने आपको हमेशा बोला कि एज अ व्यूअर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ mm -hmm. तो मेरे मन में जो क्वेश्चन आता है कि यार एक जगह बैट थर्टी थाउजेंड का है, एक जगह नहीं।, तो नहीं।, हाँ नहीं।, नहीं होता है, उस पे करता है। तो आज मैं आपको कि हम कौन से करते हैं, किस हिसाब से हम बॉक्सेस बनाते हैं और उसको कैसे लगाया जाता है बैट्स में और जो कम कॉस्टिंग वाले बैट होते हैं उनके कैसे बॉक्सेस होते हैं ठीक है शुरू करते हैं, किस तरह से बॉक्स का प्राइस वेरी करता है हाँ जी सो so, जो हम अभी बॉक्सेस बना रहे हैं वो प्लाई में बना रहे हैं दिस इज प्री लैमिनेटेड इसको लैमिनेटेड प्लाई करा हुआ है ये अगर okay. आप देखोगे इसका तो दिस इज लैमिनेशन बोथ साइड ये बॉक्सेस हमारे बन रहे हैं जिसके ऊपर अभी हम मापा प्लाई लगाए अच्छा ठीक हाँ, है भे दो मिनट रुक जाओ और अंदर जो हमने लगाया हुआ है दिस इज कॉल्ड बर्बरी Laminate. Laminate ये लैमिनेट लैमिनेट है है दिस इज सिंपल ओके okay. ना तो जी आपने एलिमेंट्स बताए हमको बोर्ड बनाने में कि क्या क्या चीजें लगती हैं तो इसमें कोई नहीं छोड़ दो ठीक है आप दो मिनट रुक जाइए थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है इसलिए हाँ. आपने बताया एक तो बोर्ड ये क्या सबसे जो 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 मटेरियल यूज होते हैं तो बोर्ड है लेमिनेट है एडेसिव है हाँ और, ल, और ये आपने बताया जो ये लगता है हाँ प्लाई में भी बहुत सारी प्लाई आती है अच्छा। अलग अलग प्राइसेज में प्लाई अवेलेबल है जो हम लगाते हैं ये कैलिब्रेटेड प्लाई है कैलिब्रेटेड प्लाई का मतलब है कि अगर मैं एक आठ बाय चार का बोर्ड लेता हूँ तो जो इसका 18 एम mm एम है ना वो 18 एम mm एम ही रहेगा ऐसा नहीं होगा कि कहीं 18 एम mm एम है कहीं सत्रह mm हो गया कहीं 16 एम mm हो गया एक ही लेवल 18 एम mm ही रहेगा इसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड प्लाई

अच्छा ये विनियर की पॉलिश होने वाली है हाँ जा। ना? जा। ये ओके okay, तो, तो इन सब एलिमेंट्स को मिलाते मिलाते कॉस्टिंग ऐड हो जाती है जनरली जो कमर्शियल बेड्स जिनको हम कम रेंज वाले बेड्स बोलते हैं उनके जो बॉक्सेस होते हैं वो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल मिलते हैं वो तो उसको बोलते हैं ब्लॉक बोर्ड अच्छा हाँ प्लाई में भी बनता है ब्लॉक बोर्ड में भी बनता है वो रेडीमेड बॉक्सेस मिल जाते हैं उसको रेडीमेड बॉक्सेस को लेके उस पर प्यू करके हेडबोर्ड लगा के दे देते हैं ठीक है तो कॉस्टिंग में यहाँ से फर्क आना शुरू हो जाए एक चीज और है कि जब हम करते हैं जो सबसे पहले तो आ, काम हाथ से हो रहा है या मशीन से हो रहा है मशीन से होगा तो थोड़ी फिनिशिंग और अच्छी आती है अच्छा एग्जाम्पल आप देखोगे तो एक ये मशीन है जिससे बोर्ड कटिंग होता है सॉ कटिंग एक मैं आपको दिखाता हूँ एक एजबेंडिंग का पीस देना मेरे को अच्छा ये पूरा का पूरा का एक मशीन है जहाँ पे की बोर्ड की कटिंग होती है है ना इसको हम एज बेंडिंग बोलते हैं तो अगर ये मशीन से होता है तो इसमें बहुत कम गैप रह जाता है कॉर्नर्स में अच्छा जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा इशू आएंगे ओके ओके और भी एज बेंडिंग के आपके पास पे पड़े होंगे कोई पड़ा एज बेंडिंग का बोर्ड

डि राइट बिफोर बी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सम हेडबोर्ड्स एंड डिजाइन दिस ट्रेंड ऑफ सॉफ्ट फर्नीचर बेच इन इज इन दीज डेज एंड फॉर लस कपल ऑफर्सल है अब हम जब प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो साथ में आपसे ये भी पूछेंगे कि कैसे चूज करना है मतलब हाउ टू डिसाइड द राइट डिजाइन वॉट डू यू सजेस्ट और राइट डिजाइन एज इन के एक बेड जो होता है ना वो जो पूरा आपके रूम का इंटीरियर कैसा है कलर थीम क्या है पूरे घर में क्या चल रहा है स्कीम उस पर डिपेंड करता है तो समाइम जब क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा रूम ऐसा है कुछ दिखा दो या इसका इसमें क्या अच्छा लगेगा तो वो एक बहुत अपने आप में बहुत एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है बिकॉज ऐसे ऐसे ही मैं आपको नहीं दिखा सकता कि हाँ ये अच्छा लगेगा मुझे पता करना पड़ेगा कि आपका रूम कैसा दिख रहा है कलर स्कीम क्या है वैसा ओके okay. हां जी ठीक है तो अब हम कुछ बेड्स एंड हेडबोर्ड्स देखेंगे उनके डिजाइंस देखते हैं चलिए बताइए मुझे ये ठीक है ऑलराइट दिस इज वेरी व्हाट कलर इज दिस दिस इज ग्रीन ओके ये के ग्रीन कलर है uh -huh. uh, मतलब कुछ हमने जस्ट टू शो यू फ्यू डिजाइंस इसमें व्हाट यू कैन डू जैसे uh -huh. मैंने अभी आपको बॉक्सेस दिखाए right. तो आप सिर्फ हेडबोर्ड अपोस्टर्ड लेके बॉक्सेस में विनियर लेके पॉलिश ले सकते हैं या फिर आप बॉक्स में भी तीनों तरफ कपड़ा लगवा सकते हैं आप पे डिपेंड करता है दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं ओके जस्ट वी आर जस्ट शोकेसिंग फ्यू डिजाइंस एक बार देख लेते हैं एक एक वाला ये वाला नो आई एम कंफ्यूज कैन आई कैन आई शॉप ओनली फॉर हेडबोर्ड एंड फुटबोर्ड आल्सो फ्रॉम यू दैट यू डोंट हैव यू गिव द कंप्लीट बेड द कंप्लीट बेड ओके

All right. So this is a very nice, elegant uh, green. Uh, right. green, yes. as you said, is always in. है? <laughs> तो जब भी इस तरह का ग्रीन या कोई भी शेड्स ऑफ ग्रीन लोग लेते हैं तो उसके उसको कंट्रास्ट वॉल के अगेंस्ट रखना होता है बिल्कुल ठीक है एंड दी प्राइस पार्ट ऑफ दिस दिसज ऑल आर फिफ्टी थाउजेंड ओके ठीक है डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वी हैव यूज्ड स्वेट 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 वेलवेट है अलग अलग पीसेस को

काफी आपको सेम चीजें आपको चीपो वर्जन में भी मिलती हाँ, हैं जैसा कि हमने to... पहले बताया जी कि जो चीप चीप वर्जन जो होते हैं या जो इससे कम रेंज वाले वर्जन होते हैं उसमें कॉस्ट कटिंग की शुरुआत बॉक्सेस से हो जाती है करेक्ट से कॉस्ट कटिंग की शुरुआत करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हर एस्पेक्ट में कॉस्ट कटिंग होती रहती है एग्जाम्पल अच्छा। इसमें हमने प्लाई में बनवाया हुआ है अच्छा तो दे कैन यूज इट द ब्लॉक बोर्ड ब्लॉक बोर्ड पे भी बन सकता है मुझे जो फायदे हैं नुकसान है वो भी बताते जाइए साथ में अगर इसको चीपर वर्जन जाते हैं ब्लॉक बोर्ड में चले जाते हैं तो उसका क्या नुकसान है उसकी लाइफ लाइफ कम हो जाएगी ना अच्छा Obviously, हाँ, मतलब ये... आपको लगा ये सवाल है हाँ, बहुत सारे हमारे वो सिर्फ, हाँ, वो नहीं समझ पाते हैं वो इसलिए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> है, okay. एक फिनिशिंग भी होनी चाहिए प्रोडक्ट में तो अगर आप इसकी फिनिशिंग भी देखोगे तो फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए और अंदर का सामान भी अच्छा होना चाहिए राइट सो फर्स्ट इज दी प्लाई पार्ट सेकेंड वन इज दी अपोल्ट्री पार्ट इसकी स्क्वायर मीटर है वो चीपर वर्जन में थोड़ी हल्की होगी बिल्कुल है। बिल्कुल उसके हल्के होने के भी क्या इम्पेक्ट है वो भी बताते जाइए आज आप हमें पूरा इसका मतलब मेक इट हमें पूरा स्कूल खोल के बता दीजिए कि अगर इसको चीपर वर्जन में चले जाएंगे तो इसकी का क्या नुकसान है अगर मैं कॉस्ट कॉस्टिंग वाइज भी आपको बता सकता हूँ अगर हाँ। आप चाहो तो <coughs> कि हाँ। जो मार्केट में अवेलेबल है बॉक्सेज वो सबके लिए अवेलेबल है जी नहीं हम हेडबोर्ड की बात कर रहे हैं मैं बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ जहां से बेड बनना शुरू होता है तो अगर हम रेडीमेड वाले बॉक्सेस उठाते हैं तो वो दस हजार दे, दे देते हैं वो दूसरा वर्जन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा हम अच्छे कारीगरों से एक अच्छी प्लाई लेकर लैमिनेट लगाकर उसमें पूरा बॉक्सेस बनाया जाता है जिसमें जिसका हम आपको वारंटी लाइफ टाइम भी दे सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमने उसमें क्या सामान यूज किया है राइट

For example, इसके होते हैं। हैं? हाँ हाँ। आपको Martindale, Martindale का मतलब होता है रब्स। okay. कितने हो सकते हैं? एक एक जो सस्ता कपड़ा होगा उसके number of rubs कम होंगे, बीस अच्छा। हजार होंगे, होंगे जितनी बार वो घिसेगा उतनी बार वो उड़ जाएगा ओके पंद्रह हजार होता है तो हर इनको... कपड़े का एक डेल होता थर्ड इज वर्कमैनशिप जो okay. तो, uh, स्किल्ड लेबर okay. है. है. है जो इसमें काम करते हैं hmm. उनके हाथ की सफाई जो है वो मैटर करती बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ना उसमें वेव्स वेरिएशन नहीं होते हैं आज हमने बहुत ज्यादा डिटेल दिया है शायद आज हम कन्विंस कर पाएंगे हमारे व्यूअर्स को बेड्स के Uh, में वेरिएशन क्यों है प्राइस का बिल्कुल. क्योंकि ये और टेक्निकल टेक्निकलिटी बताना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी जी. है ये वाला कितने का है आपके पास सेम रेंज है सारे सेम रेंज है कितना बताया था फिफ्टी सिक्स फिफ्टी ओके फिफ्टी थाउजेंड का है ठीक है अब एक रॉयल ब्लू है ओके okay. आर फेवरेट योर फेवरेट एवरी फेवरेट चेस्टर ओके चेस्टर इन बेड लुक एट दी डेप्थ ओके बताइए अगेन uh, uh, इसमें चेस्टर किया हुआ है जिसने, जितने भी अभी हमने सारे कवर किए हैं वो आप देखोगे कि सारे स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहे हैं हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है अगर इफ यूल ये भी रेंज में। रेंज में। रेंज में। इसके अलावा जितने भी आप बेच देख रहे हैं यहाँ पे उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे डिजाइन रहते हैं बहुत सारे डिजाइन है हमारा स्टोर नहीं है हम मैन्यूफेक्चरर्स है तो हम जर्नली इतना हम ऑन uh, स्टॉक रखते नहीं है देखने के लिए बट अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब फुल है ये भी ऑर्डर्स के हैं सारे चलिए तो ऑर्डर जितने भी होंगे वो दिख जाएंगे ठीक है बिफोर वी साइन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट दो तीन चीजें और भी हैं जो हमें बहुत अच्छी लगी थी आपके उधर एक ओवरऑल व्यू दिखा सकते हैं आप हमको हाँ, जो वहां पे है। कुछ मटेरियल मटीरियल बिल्कुल ठीक है ऑडियो का इश्यू रहता है हमेशा मेरा क्या होगा

look at this very 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 affirmative very strong very uh, as in the very bossy bossy is overly used word by us but actually what <laughs> i meant is uh, is to tell you a different aura huh it has a it has an aura of its own yes okay cool so this is available in this available in the sea pink or pink and peach jiska price bhi

क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना जिस एरिया में बैठते हैं हाइपोथेटिकली hmm. अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी होटल की लॉबी में तक बैठते हैं तो आप एक पर्टिकुलर मोमेंट एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं बैठना चाहते यू यू वांट टू द साइट ऑफ होटल राइट सो कैन सिट ओके okay. अभी हम एक ज़ेबरा प्रिंट के साथ भी एक ला रहे हैं इसको अच्छा अच्छा वो भी अच्छी लगेगी अच्छा ज़ेबरा प्रिंट में भी ठीक दिखेगा सो आई विल रेकमेंड दिस फॉर टू ऑल माय फ्रेंड्स दोज हु आर स्टार्टिंग और दोज हु हैव स्टार्टेड देयर ओन होटल यस और मे बी द कॉर्पोरेट ऑफिसेस दिस विल लुक वेरी नाइस इन द लॉबी यस वेटिंग एरिया में उनमें सिनेमाज में हॉस्पिटल्स में राइट एंड right? uh, ये अपार्टमेंट्स में भी बहुत अच्छे लगेंगे ओके okay.

मेरे को कभी कभी कॉल करते हैं जब इतने अच्छे अच्छे पीसेज आते हैं उनके पास अच्छा ये आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल नहीं होगा नहीं। ये कुछ पीसेज ऐसे हैं जो अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। जब नहीं होंगे तो नहीं होंगे अच्छा बिकॉज ये हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते हैं

ठीक है एंड दिस इज सीजनड हां ये 5 इंचेस है 5 इंचेस ओके प्लस इसका अगर मैं रफली आईडिया दूं तो दिस इज 15 इंचेस हां एंड ये रफली 39 इंचेस के आसपास होगा 38 okay. 39 इंचेस ओके मस्ट बी वेरी हैवी वेरी हैवी वेरी 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 हैवी ओके ठीक है हाउ मच यू से 17 17000 आई थिंक प्री रीजनेबल ऑलराइट वी गो टू द नेक्स्ट वन श्योर

तो हमने इसको पी यू पॉलिश करा के देखा था बट आई एम कन्फ्यूज ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं आई हैव अ डाउट ओके आई थिंक ब्लैक एंड वाइट का जो जब हम स्कीम करते हैं या कभी कभी किसी डेकोर में तो आई थिंक आई थिंक इट विल गो मेरा अगर आप मुझसे पूछें तो दिस इज लुकिंग वेरी यूनिकली डिफरेंट वेरी लिटिल गोथी पर्सनली और अच्छा हो सकता है हाँ ये दिस कैन बी मेड लिटिल बेटर बट आर अट्रैक्शन पॉइंट इज समथिंग एल्स वी वर लुकिंग एट दिस सोफा

Very comfortable. Comfortable. Okay. Haan, जैसे आप लकड़ी जैसे, आपको मिलता ही राइट बट यूटे एंड इजेक्टलीग्स जनरली क्या अच्छा आयरन लेग्स हैं कोई वेट लिमिट नहीं है जितना चाहो आप बैठ सकते हो ठीक है नॉटी दिटीवी फाइव हंड्रेड ओके यू मीन सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज कैन आई बाय वन श्योर ओके ऑलरेडी पैक्ड अच्छा दिस वन बट आई वांट दिस वन ठीक और वन ऑफ आई आईज वन ओके सो दिस वन इज टेकन बाय मी आई एम गोट शो यू मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगा कि मैंने इसको कहां पे यूज़ किया ठीक है शुभम मुझे ना ये कहां यूज़ करना है मैं आपको बताऊं आई वाज प्लानिंग टू यूज इट विद द बेड

पिच करते हैं फॉर द पिक्चर्स तो फॉर पिक्चर्स यू कैन डायरेक्टली गो टू आर इंस्टाग्राम पेज विद्स विम्स डॉट फैंसिस डब्ल्यू एच आई एम एस डॉट एफ ए एन सी आई ई एस फैंसिस विम्स डॉट फैंसीज उसका डिस्क्रिप्शन में आप डाल देना लिंक जी तो sure. पिक्चर्स आप डायरेक्टली उधर जाओगे वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड सेवन एट हंड्रेड पिक्चर्स ऑफ अर फर्नीचर तो आप उधर से सेलेक्ट mm -hmm. करके हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो फ्रीज करके देन विल हेल्प यूथ द प्राइजेस अच्छा हाँ इसके अलावा एक और तरीका है जो आप हमेशा फॉलो करते थे वो ये है कि आपको इमेजेस भेज दें और आप उन इमेजेस के हिसाब से फर्नीचर क्राफ्ट कर देते That हैं ओके okay, तो हमारे वो आर्ट लवर फ्रेंड्स हैं जो जो बहुत ही आर्टिस्टिक फर्नीचर चाहते हैं उनके लिए यू आर दी द राइट पर्सन राइट चॉइस और राइट एंड and uh, one more thing that you made you say, we were discussing about the customer service client हाँ service, service so what exactly what went wrong recently uh, in fact uh, i may uh, say clients, that kuch हाँ, clients the comments kiye hain ke call पिक नहीं हो रही है <coughs> time से यार respond नहीं आ रहा है time से mm -hmm. So uh, when I started this ना तो मेरे को हमेशा से मैंने कोशिश की है कि क्लाइंट इंटरेक्शन सिर्फ मेरी हो बिकॉज mm -hmm. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जितने अच्छे से मैं समझा सकता हूँ उतने तो अच्छे से कोई समझाएगा नहीं तो मुझे हमेशा एक डाउट रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही अटेंड करूँ मैं ही इंटरेक्ट करूं क्लाइंट्स के साथ बट अभी कॉल थोड़ी ज्यादा आती हैं मैसेजेस ज्यादा आते हैं तो उसके लिए वी आ, वी स्टार्ट हायरिंग वी स्टार्टेड हायरिंग कि हम एक कॉल जो उठाते हैं जो आपको डील अच्छे से कर पाए डिजाइनर्स उनको हम एक हायर करके सिर्फ और सिर्फ कॉल्स उठाकर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम right. So एक भी कॉल मिस नहीं होगा एक भी क्वेरी जाएगी नहीं mm -hmm -hmm. आपको जितनी देर अपनी क्वेरीज पूछनी आप पूछ सकते हैं. ठीक है वो चीजें हुई हम्म uh हम्म -huh -huh. <laughs> ठीक है प्रॉब्लम इज सॉर्टेड बट एट द सेम टाइम इफ यू अलाउ मी आई मे मैंशन दैट प्लीज़ रिमेंबर प्रोफेनिटी इज नॉट द राइट थिंग दी यूज इन द प्रोफेन वर्ड्स आर नॉट सूटेबल यू शुड नेवर डू दैट यू शेयर सम स्क्रीन शॉट्स विद अस आई वुड लाइक टू हेयर इट यू आर नॉट सेंग दिस आई एम सेंग दिस ऑन योर बिहाफ प्लीज़ वेन एवर योर यूज लैंग्वेज मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट टर्म बिकॉज कपल ऑफ पीपल यूज रॉन्ग टर्म्स अवे तवे लैंग्वेज तू तू लैंग्वेज इन दिखाबे चल बे दिस इज़ नॉट करेक्ट सो प्लीज रिस्पेक्ट दी मेकरस प्लीज रिस्पेक्ट दी आर्टिस्ट आई बिलीव पीपल आईक शुभम दे आर दर्टिस्ट एंड दे द्राफ्ट थिंग्स फॉर याउस एंड हाउस इज सच एन इम्पॉटेंट थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल इन दट परुलर स्पेस देट इमोशनली कनेक्टेड एंड दे लिव देअ फॉर इय टुगेदर एंड देर इज एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द हाउस फर्नीचर एंड दसन लिविंग इन दस दैट में एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊँ रिसेंटली क्या हुआ इन वन ऑफ माई रेलेटिव ये हुआ कि एक हम बहुत पुराना पुश्तैनी घर था इट वॉज एनहेरिटेड हाउस एंड देवर ब्रदर्स ओके एंड द एलडेस्ट ब्रदर ही गोट दी इन्हेरिटेड हाउस उन्होंने क्या किया जो इन्हेरिटेड हाउस था वो बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग इन दैट विलेज सो ही अनोइंगली विदाउट रियलाइजिंग दैट इट कैन भी डेंजरस ओके बाद में पता चला जो उनको जो पुश्तानी घर था जो उनके माँ बाप से भी माँ बाप का या दादा का था मतलब मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड हाउस जिसकी वैल्यू मुश्किल से तीन चार लाख रुपये रही होगी उन्होंने बिना इस बात को महसूस किए गलती से वो किसी को बेच दिया तो बाकी भाइयों को ये चीज थोड़ी ठीक नहीं लगी है ना? क्योंकि वो बहुत पुराना घर था गाँव वैल्यू वाइज देखें तो वो कुछ भी नहीं था बिल्कुल तो देन ही ऑल्सो रियलाइज की यस हमें वो घर रखना चाहिए था हुँँ. क्योंकि उसमें हमारे दादी दादाजी ये सब लोग आए थे है ना वो दो तीन लाख रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता था उनको So that's how people in India they get connected with furniture always, and home. There's always an emotional connection between the furniture and home. Mm -hmm. So the person who is trying to help you to make that connection stronger, please make sure that you do not use the profane words. <laughs> Somebody on Instagram was posting those comments. I have seen it. I am asking you. I am. I am apology, uh, expressing my apologies, serious apologies to you that like somebody posted these kind nobody's. of comments i'm so sorry and thank you so it. much for saying all this okay all right so yes. we'll see you very soon <laughs> with some more designs and ideas sure, sure, okay sure. thanks a lot for sharing thank, you so, thank you so much thank you so here we come to an end if you feel video was good and full of information write in the comment section if you did not like it then all the more reason you should like write in the comment section so that we can improvise things are changing logistics are getting better deliveries are getting better see you very soon take care